नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अज्ञात और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना जिला गुना अंतर्गत चाचौड़ा थाना क्षेत्र में हुई डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का प्रेस वार्ता आयोजित कर किया खुलासा। अधीक्षक ने बताया फूफा भतीजी से लूटे गए जेवर और नकदी कीमत 3,13,000 रुपए। घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद किए जाने का उल्लेख किया गया। बैंक कर्मचारी से लूटी रकम में से 20,000 रुपए एवं प्रयुक्त घटना में शामिल मोटरसाइकिल बरामद की बात कही। वहीं 6 आरोपी में से 5 आरोपी गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी के समक्ष बरामद रकम के साथ लाया गया। आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल सहित 25,00,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई। लगातार हो रही जिले में डकैती की घटनाओं को उजागर करने का श्रेय मुस्तैद पुलिस प्रशासन को दिया। ये 3 जनवरी की बात है। 3 जनवरी को एक लूट का प्रकरण दर्ज हुआ था। जो भी पुरट जो टोल नाका है वहाँ पे एक फरियादी से 3 मोटर बाइक पर बैठे आरोपी 1,50,000 रुपए की लूट के टाइमिंग की गई विवेचना के लिए, तो विवेचना में हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें कौन कौन लोग जैसे कुछ पैसा भी जब्त किया गया। ये घटना अभी जो घटना घटी थी 18 तारीख को, जो हमारे फरियादी हैं सुमेर सिंह पुत्र रंगलाल गुर्जर, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम डावरिया थाना चाचौड़ा। ये 18 अगस्त को ग्राम बुरेला से अपने साले की लड़की सुमन गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव डावरिया जा रहे थे। रास्ते में धानपुरा मीना गांव के पास 2 मोटरसाइकिल पर 6 लोग सवार पीछे से आए, ओवर पावर किया और इनके साथ घटना काम को अंजाम दिया। इसमें करीब सोने की हार करीब 2.5 लाख रुपये का, 2.4 लैक्स सोने के 5 मोती जो करीब 21,000 रुपये की है, चांदी की कमरबंद कीमती करीब 40,000 रुपये, चांदी की एक पायल कीमती 5,000 रुपये और 7,200 रुपया नकदी एवं घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल को अभी जांच किया गया पुलिस के द्वारा। और घटना में जो 6 आरोपी थे, 6 रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं इनका पुराना कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, लेकिन जो ये जो 6 लोग हैं इनका अभी तक रिकॉर्ड पता नहीं चला है, लेकिन इनकी विधिवत अब रिपोर्ट बनाई जा रही है। इनका जो रिकॉर्ड होता है लूट और डकैती का वो बना है। सर, आरोन चोरी प्रकरण में जो अपराधी नहीं पकड़ा गया था उसकी कुछ जानकारी? आरोन वाले? हाँ हाँ जी हाँ जी 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 हाँ। अभी अभी नहीं है, कोई क्लू नहीं उसके लिए। कोई टीम है ना, नाम को आइडेंटिफाई नहीं, टीम गठित की गई है क्या उसके लिए? प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो 10 लोगों में एक है, 9 की गिरफ्तारी हो गई, एक बाकी है, नामजद है, उसकी बल्दियत पता है, गांव का नाम पता है, उसको कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं। कुछ और रकम की रिकवरी हुई सर? कुछ और रकम नहीं उसके बाद कुछ रिकवरी हुई सर? सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा लीक से हटके एक क्वेश्चन कर सकते हैं? थोड़ा लीक से हटके एक क्वेश्चन कर सकते हैं सर? पीसी जिस पे हो रहा उसी पे करें ज़्यादा? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, थोड़ा दर्दनाक घटना है सर। आरुण क्षेत्र में 2 बच्चों को कल करंट से मृत्यु हो गई है। अभी TI साहब छुट्टी पे हैं और वहाँ जो भी स्टाफ तैनात है वो कोई भी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। जिससे भी जानकारी लो उनका कहना रहता है कि ये मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप इनसे बातचीत कर लीजिएगा। आप हमसे पूछ लिया करो जी, अगर ऐसा कोई समस्या है कि थाने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही जी, तो आप तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप हमसे पूछ लिया करें। एडिशनल SP उनसे पूछ लें, संबंधित जो अनुविभागीय अधिकारी हैं उनसे पूछ लिया करें। ठीक है सर, आप अपना टाइम बर्बाद ना करें कि थाने में नंबर लेके एक से नहीं दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, बाकी जितने सुपरवाइजरी अधिकारी उनसे आप बात करें जी। आरोपी जब
जामनिया और आनंद थाना जामनेर निवासी है। तो ये दो प्रकरण का खुलासा किया जा रहा है। एक प्रकरण में 3 जनवरी को कायम हुआ था जिसमें 1.5 लाख रुपये की लूट हुई और दूसरा जो भी है 18 तारीख को रक्षाबंधन के 3 दिन पहले जिसमें काफ़ी आप लोग मीडिया में लोग बताए थे उसमें काफ़ी अरेस्ट हुआ था वहाँ पर काफ़ी लोग ज्ञापन वगैरह और तो इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर के पिछले 12 दिन से सतत प्रयास किया जा रहा था और फाइनली हम लोग डिटेक्ट कर पाए कि कौन आरोपी इसमें इन्वॉल्व है और उनसे माल भी रिकवर कर लिया। कुछ जो शेष माल रह गया उसको पीआर लेकर के रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। वो भी इनको देख रहे हैं जो चोरी का है क्योंकि क्या वो करते हैं इंजन और चेसिस नंबर जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो वेरीफाई किया जा रहा है। क्या कोई भी इसीलिए कि आपको बता देंगे चैलेंज है ना सर आपको मैसेज किया है शहरों में मतलब आक्रोश का माहौल है शहर में धार्मिक भावना का माहौल है। हाँ पिछला टेकरी चोरी 4 साल बाद हम ही निकाले थे अभी 2 महीने पहले निकाले वो मेरा चैलेंज है उसको निकालने का प्रयास पूरी जा रही है। सर सिर में नशे का थोड़ा इसको बढ़ता जा रहा है और चोरियाँ भी बेशुमार हो रही हैं तो इसके लेकर आपकी कोई नई रणनीति चोरी की रणनीति तो ये 10 पंप टाइप के कर ही रहे हैं नहीं लगाने के लिए कोई नई प्लानिंग आप बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो इसमें संभवतः खुलासा करना उचित नहीं है क्योंकि उसमें से लोग सेफ्टी ले लेते हैं लेकिन जो पुलिस कर सकती है ताकि घटनाएं कम से कम हो वो हमारे द्वारा किया जा रहा है खुलासा हो जैसा कि हम तो सर इनके ऊपर कोई पहले से आरोप भी हैं क्या इनका तस्दीक कर रहे हैं कि पहले का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है और अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है लेकिन जिस तरीके से ये अपराध में लिप्त हैं संभवतः इनके खिलाफ कहीं ना कहीं दर्ज होगा सभी जगह सूचना भेज करके रिकॉर्ड कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पैसे चांदी कुल कितना कीमत का है सरकार करीब 7.5 लाख रुपये सर एक तो मामला कल का जो सर दिन प्रतिदिन जो घटनाओं का उजागर किया जा रहा है उससे थोड़ा माहौल भय में भी आ गया है लोगों में डर है इन घटनाओं को लेकर खबर समय स्वागत के लिए गुना ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.